तो क्वेश्चन बच्चों ये आता है कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं कौन से क्रम के हैं, वर्तमान में कौन से हैं, जैसे रामनाथ कोविंद है ना, इनका जो क्रम है या तो ये 17th है। देखना सबसे पहले कौन हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे नंबर के सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर हुए हैं जाकिर हुसैन, नंबर फोर हुए हैं वी वी गिरी, फिर उसके बाद में न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, फिर वी वी गिरी हुए हैं, उसके बाद में फखरुद्दीन अली अहमद, बी डी जत्थी है ना, उनकी डेथ होगी फखरुद्दीन अली अहमद की, उसके बाद बने नीलम संजीव रेड्डी, फिर ज्ञानी जेल सिंह बने, फिर वेंकट रमन बने, वेंकट रमन शंकर दयाल शर्मा बने, शंकर दयाल जी के बाद में बने थे फिर के आर नारायणन, ए पी जे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, और उसके बाद में जो 17वें क्रम के अब हैं ये रामनाथ कोविंद है ना, इनको लिख लेते हैं एक बार। नंबर एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकंड नंबर के सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधा कृष्णन है ना। नंबर तीन जाकिर हुसैन, अब इनका कार्यकाल भी लिखेंगे। फिर हुए हैं वी वी गिरी, वारा वेंकट गिरी है ना, नंबर पाँच हुए हैं। फिर वी वी गिरी, इन्होंने फिर इस्तीफा दिया। फिर हुए हैं न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, देखना एक न्यायाधीश होता है एक न्यायमूर्ति, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो न्यायमूर्ति लिखते हैं उनको है ना, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला है ना। नंबर छः फिर वी वी गिरी बने थे, वी वी गिरी को इलेक्ट्रल लिया गया था। नंबर सात हुए हैं फखरुद्दीन अली अहमद। नंबर एट बी डी जत्थी। नंबर नाइन नीलम संजीव रेड्डी है ना, ये मेल थे कभी फीमेल समझे नीलम संजीव रेड्डी को, ओके। नंबर टेन ज्ञानी जेल सिंह। नंबर इलेवन हुए हैं फिर वेंकट रमन। नंबर ट्वेल्व डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ओके नंबर थर्टीन हो जाएगा फिर के आर नारायणन। अच्छा चलो यहाँ पर लिख देते हैं नंबर 14, 15, 16 और ये 17। क्या नाम के बाद में ए पी जे अब्दुल कलाम, और उसके बाद में हुए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अच्छा फिर हुए हैं प्रणब मुखर्जी, और उसके बाद में जैसे रामनाथ कोविंद। इनका ये क्रम आपको याद रखना है, सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि ये कौन से क्रम के हैं और ये कार्यवाह कौन कौन से, अभी लिखवा देंगे आपको। इनका जो शासनकाल रहा है 1952 से 62 तक, ये अंतरिम भी चुने गए थे है ना, इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और फिर दो बार इलेक्शन हुआ तब ये बने थे। और ये आ जाएंगे 1962 से 67 तक, और ये आ जाएंगे 1967 to 69 जगह की। इनकी मृत्यु हुई थी पद पर रहते हुए, मृत्यु ये क्वेश्चन आता है पद पर रहते हुए मृत्यु सबसे पहले किसकी हुई थी, तो स्केच ले लेते हैं जी। ओके ये इनमें विशेषता है, पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। आगे वीवी गिरी, ये कार्यवाहक बने थे पहली बार कार्यवाहक है ना, इनका क्या रहेगा 1969 to 69 है ना, 1.5-2 महीने के लिए कार्यवाहक। न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, फिर जब उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त होगा तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बुलाया जाएगा, ये कब हुए 1969 to 69, ये भी कार्यवाहक बने। वी वी गिरी बने फिर, ये 5 वर्षों के लिए इलेक्ट कर लिए गए थे, चुने गए थे 69 to 74। फखरुद्दीन अली अहमद सन 1974 से 77 तक, 77 तक इनके भी मृत्यु हुई थी पद पर रहते हुए, ये इनकी विशेषताएं लिखते हैं। बी डी जत्थी, ये कार्यवाहक बनाए गए फिर, कार्यवाहक है ना, एक्टिंग
इसके लिए वर्ड आ जाएगा एक्टिंग 1977 टू 77, 1977 से 77 तक। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 5 वर्ष जोड़ेंगे 82 तक, फिर 1982 से उन्हें ज्ञानी जैन सिंह 87 तक, 87 तक। वेंकट रमन 1987 से 5 वर्ष जोड़ेंगे 1992 तक, 92 तक, है ना। शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 तक। उसके बाद में के आर नारायणन 1997 से 5 वर्ष जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2002 तक। ए पी जे कलाम 2002 से 2007 तक बने, और ये 2007 से 12 तक प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 2012 से 2017 तक बने, और ये 2017 से अब तक ये बने। ठीक है जी, ये क्रम याद रहेगा आपको। ओके, देखना अब इनकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए राजेंद्र प्रसाद, सबसे अधिक बार कौन है राजेंद्र प्रसाद, है ना, राधा कृष्णन ये इनके बाद हुए, जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम बने और प्रथम पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, वीवी गिरी प्रथम कार्यवाहक बने, वारा वेंकट गिरी कार्यवाहक, है ना। और जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, जब इन्होंने पर्चा भरा तो अपना इस्तीफा दे दिया था, यानी कि उस टाइम पर भारत में ना कोई राष्ट्रपति होगा ना उपराष्ट्रपति, तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बुलाया जाएगा, सीजेआई को। सीजेआई कौन बने, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, कार्यवाहक बने थे कुछ समय के लिए वीवी गिरी ने, फिर गिरी बने उसके बाद में 1969 टू 74 पूरे 5 वर्षों तक अपना कार्यकाल। फखरुद्दीन अली अहमद फिर बने अगली बार पद पर रहते हुए, इनकी मृत्यु हुई, ये 3 वर्ष तक ही रहे 74 टू 77, फिर कार्यवाहक बीडी जत्थी बने। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष पद पर थे, और इनको निर्विरोध भी चुना गया था, इनके अपोजिशन में कोई खड़ा नहीं हुआ था। क्वेश्चन आया होगा कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मतगणना में दोहरे चरण की आवश्यकता पड़ी थी, इसका आंसर हो जाएगा वीवी गिरी। वीवी गिरी जब राष्ट्रपति बने थे दोहरे चरण की मतगणना आर्टिकल नंबर 55 में 54 में बताया था इसके बारे में आपको। ज्ञानी जैल सिंह ये 1987 तक बने, 87 तक। वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा सबसे अधिक प्रधानमंत्रियों के शासनकाल तक रहे, ये क्वेश्चन आया है कि वो कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने सबसे अधिक प्रधानमंत्री का शासनकाल देखा है, है ना, शंकर दयाल शर्मा। के आर नारायणन प्रथम दलित आ जाएंगे, है ना, ये प्रथम वैज्ञानिक ए पी जे कलाम, है ना, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला, देखना विश्व की जो प्रथम महिला बनी है राष्ट्रपति, ये मारिया इसाबेल बनी है, मारिया इसाबेल पेरोन नाम था पूरा, ये बनी है 1974 से और 76 तक, 2 वर्ष रही है अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना में जो राष्ट्रपति थे जोन पेरोन की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, उनकी पत्नी को फिर कार्यवाहक बनाया गया था, याद रहेगा ना। अच्छा, एक ये आएगा विगडिस एक राष्ट्रपति हुई हैं, ये सन 1980 से 1996 तक रही हैं, ये आइसलैंड की बनी है, इनकी वोट डालकर यानी कि निर्वाचित ये पहली बार हुई थी, जो इसाबेल है वो निर्वाचित नहीं थी, तो कार्यवाहक बनी थी, और विगडिस के लिए वोट डली थी, निर्वाचित होने के बाद में राष्ट्रपति बनी है, तो दोनों अलग अलग हैं। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति इसाबेल, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो कार्यवाहक बनी इसाबेल, विश्व की प्रथम नवनिर्वाचित महिला राष्ट्रपति ये क्या आ जाएंगी विगडिस, और भारत की प्रथम महिला कौन आएंगी ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं। तो रामनाथ जो कोविंद है इनका क्रम कौन सा आएगा, या तो 17 होंगे या फिर 14, या तो ये 14वें क्रम के या 17वें क्रम के। 17वां कब है, अगर सबको हम काउंट करते हैं जो कार्यवाहक है उनको भी गिना जाए तो 17, और अगर तीन कार्यवाहक हो, कार्यवाहक कौन कौन से, जैसे वीवी गिरी बने, हिदायतुल्ला बने और बीडी जत्थी बने, अगर इन तीन को निकाल दिया जाए अब 14, अब 14वें क्रम के हैं, याद रहेगा ऐसे। अच्छा, क्वेश्चन आया हुआ है कि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्त होने पर राष्ट्रपति का पद कौन ग्रहण करेगा, उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति भी यदि अनुपस्थित हो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। देखना इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति यदि अनुपस्थित हो तो कौन आएगा, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदभार ग्रहण करेंगे, और अगर ये भी अनुपस्थित है तब कौन, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, है ना, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, और अगर ये भी अनुपस्थित है तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य वरिष्ठ, है ना, वरिष्ठतम न्यायाधीश, न्यायाधीश न्यायमूर्ति, है ना, जो जाएंगे, अगर ये भी अनुपस्थित है, चूंकि यहां पर तो 30 है और भी, है ना,
राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ये भी अनुपस्थित है, तो सुप्रीम कोर्ट का अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश अगर ये भी अनुपस्थित, फिर अन्य अन्य अन्य, है ना। एक चीज और देखिए, एक तो ये नोट, दूसरा अगर उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद नियुक्त है, ये चैप्टर अलग से पढ़ेंगे, अगला आने वाला है आर्टिकल नंबर 63 में, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति, उपसभापति उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करेगा, और अगर ये भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का अन्य वरिष्ठ, अन्य वरिष्ठ, वरिष्ठ एमपी, और अगर ये भी अनुपस्थित हो फिर अन्य, अन्य एमपी। देखो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, अगर हम राष्ट्रपति वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और उपराष्ट्रपति वाला, दोनों के लिए अलग अलग आंसर हो जाएंगे। क्या राष्ट्रपति का पद रिक्त है, है ना, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, तो भारत का उपराष्ट्रपति अगर वो भी अनुपस्थित है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जैसे यहाँ पर किया गया था, जाकिर हुसैन का पद रिक्त हुआ, तो यहाँ पर कौन आए, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया गया, वीवी गिरी को, वीवी गिरी ने इस्तीफा दिया, यानी कि उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हुआ, अब कौन आएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, इनको बनाया गया, इनका पद भी अगर रिक्त होता तो सुप्रीम कोर्ट से ही आता, यानी कि राष्ट्रपति वाली लाइन तो निकलती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही है, राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये तो वहां से आएंगे अतिरिक्त, है ना, और अगर उपराष्ट्रपति के लिए पढ़ रहे हैं ये लाइन जाएगी राज्यसभा की तरफ, है ना, तो राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अन्य वरिष्ठतम, अन्य अन्य अन्य, है ना, और अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है, ये चैप्टर अलग दूसरा, है ना, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो राज्यसभा का उपसभापति उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करेगा, और अगर उपराष्ट्रपति ये उपसभापति भी अनुपस्थित है राज्यसभा का अन्य वरिष्ठ एमपी, और अगर ये भी अनुपस्थित है फिर अन्य अन्य आ जाएगा, ये अन्य वरिष्ठ कौन घोषित करेगा इस कार्य के लिए, जैसे राष्ट्रपति उनकी वरिष्ठता घोषित करें वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये राष्ट्रपति के कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, अगर चाहें तो उनको अलग से लिखवा देंगे, है ना, इसको आप नोट कर लीजिए, अगर नोट करना चाहें ये नोट कीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए, नहीं तो चलने दीजिए, अभी कीप ऑन अभी, ओके आप इसको नोट कीजिए, ओके और समझिए आगे, है ना। एक क्वेश्चन करते हैं, ये वन लाइनर क्वेश्चन है कुछ, सबसे ये प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, सबसे अधिक कार्यकाल के लिए, सबसे अधिक कार्यकाल, सबसे अधिक कार्यकाल इसमें कौन आएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसको हराया था, राजेंद्र प्रसाद ने केटी शाह को हराया, केटी शाह को हराया, ये क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले केटी शाह को हराया था राष्ट्रपति चुनाव में, ओके। क्वेश्चन है कि प्रथम मुस्लिम, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, है ना, प्रथम ऐसे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, जाकिर हुसैन की, है ना, प्रथम कार्यवाहक, कार्यवाहक एक्टिंग, है ना, एक्टिंग, ये कौन हुए, वीवी गिरी, वीवी गिरी, है ना। अच्छा क्वेश्चन आएगा कि कार्यवाहक कितने हुए, तीन हुए, ये तो पहले थे, दूसरे और तीसरे, दूसरे कौन बने, दूसरे कार्यवाहक और तीसरे कार्यवाहक, एक हिदायतुल्ला, हिदायतुल्ला, है ना, और एक बीडी जत्थी, बीडी जत्थी, ठीक है ना, ओके। तो इनको अगर चाहे तो नोट करते रहिए आप साथ साथ, प्रथम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहले हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे अधिक अवधि तक भी निर्विरोध, ये सॉरी अंतरिम भी हुए हैं, है ना, और सबसे अधिक कार्यकाल भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा है, राजेंद्र प्रसाद ने केटी शाह को हराया था,
और प्रथम मुस्लिम कौन हुए जाकिर हुसैन, कार्य प्रथम कार्यवाहक एक्टिंग वी वी गिरी, दूसरे कौन हुए न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, तीसरे कौन हुए बी डी जत्थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी वी गिरी के चुनाव में दोहरे चरण की मतगणना, दोहरा चरण या दूसरा चरण, दूसरा चरण सेकंड फेस चरण की आवश्यकता किसके इलेक्शन में, वी वी गिरी है ना। अच्छा जी, और प्रथम सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई राष्ट्रपति ये कौन बने थे, हिदायतुल्ला है ना। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो उससे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे नीलम संजीव रेड्डी। इनको एक तो निर्विरोध चुना गया था, इनके अपोजिशन में नहीं कोई खड़ा हुआ था, निर्विरोध है ना। और एक ये लोकसभा के अध्यक्ष भी थे, लोकसभा अध्यक्ष जैसे अब है ना हमारे रामनाथ कोविंद, इससे पहले क्या थे बिहार के राज्यपाल, तो जैसे नीलम संजीव रेड्डी थे, ये क्या थे पहले नीलम संजीव रेड्डी, ये लोकसभा के अध्यक्ष थे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा आगे बढ़िए, प्रथम दलित केआर नारायण है ना, दलित राष्ट्रपति नारायणन। अच्छा जी, क्वेश्चन आता है प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति क्या जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है जी, क्वेश्चन आता है प्रथम महिला है ना, प्रणब मुखर्जी 71वें नंबर के हैं, ये जो महिलाओं वाले हैं इनको तीनों को अलग बता दें, तीनों बिंदु आप चाहे तो नोट कर लीजिए। ओके, पहले देखते हैं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति आ जाएगी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है जी, अच्छा भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति उम्मीदवार, महिला राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार जो चुनाव में सबसे पहले खड़ी हुई थी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है ना, तो इसका आएगा डॉक्टर लक्ष्मी सहगल, ये नाम बोल रहे थे हम, डॉक्टर लक्ष्मी सहगल है ना। इनकी भूमिका आधुनिक काल में भी रही, इतिहास का जब टॉपिक पढ़ेंगे ना उसमें भी, एक लाल किला मुकदमा चला गया था, ये तब की बात है, एपीजे कलाम के खिलाफ ही खड़ी हुई थी लक्ष्मी सहगल, लेकिन इलेक्शन में हार गई थी। तो ये क्वेश्चन अलग अलग हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति उम्मीदवार जिन्होंने पर्चा भरा था ये डॉक्टर लक्ष्मी सहगल, विश्व की प्रथम महिला कार्यवाहक राष्ट्रपति ये ध्यान रखना, कार्यवाहक एक्टिंग है ना, ये कौन बनी है मारिया इसाबेल, कहीं पर इसाबेल भी लिखा हुआ, इसाबेल पेरोन, ये अर्जेंटीना की बनी है 1974 से 76। इनके जो हस्बैंड थे, इनके पति पहले राष्ट्रपति थे, जॉन पेरोन नाम था उनका, जो इनके पति थे, पति का नाम जॉन पेरोन के पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी, तो उनकी जगह जो कार्यवाहक बनी थी उनकी पत्नी बन गई थी इसाबेल, याद रहेगा। ओके, एक बनी है विश्व की प्रथम महिला निर्वाचित, इनके लिए इलेक्शन हुआ था, निर्वाचित राष्ट्रपति, ये आइसलैंड की हुई है ना, आइसलैंड की है ना, नाम क्या हो जाएगा विगडिस
शासनकाल इनका रहा है 1982-96, सकता है शायद ये दो योजनाओं में बनी है, आइसलैंड की, आइसलैंड याद रहेगा। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला उम्मीदवार, ये राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार, विश्व की प्रथम महिला कार्यवाहक राष्ट्रपति और विश्व की प्रथम महिला ये निर्वाचित राष्ट्रपति, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति ये निर्वाचित अलग अलग है, मारिया इसाबेल और यहाँ पर विगडिस रही हैं। विगडिस किस देश की है? आइसलैंड की। मारिया कहाँ की? अर्जेंटीना की। इनके पति की डेथ हो गई थी तो इसलिए बनी है। कुछ लोग ये समझते कि भंडारना है कि जो श्रीलंका की जो भंडारना है वो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं, है ना, वो पीएम बनी है, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं चीज़ें। ओके, और आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए अगर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके जी, आगे देखिए और क्या। प्रणब मुखर्जी है ना, महाराष्ट्र से, जंगीपुर से थे एमपी पहले, और राम, ये रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद, कोविंद इनका क्रम कौन सा रहेगा? 17वां रहेगा या 14th, ये रहेगा इसमें 14th। अगर तीन कार्यवाहक को मिलाएं तो 17वां है, और अगर उनको ना मिलाएं तब 14वां नंबर है इनका। ओके, रामनाथ कोविंद का जन्म 1945 में कानपुर देहात में हुआ था, कानपुर देहात, सुर्खियों में कानपुर आजकल कानपुर देहात है ना। परोख, एक गांव का नाम है परोख, परोख गांव में हुआ था इनका जन्म, है ना। बाद में राज्यसभा के, ये एलएलबी की इन्होंने, है ना, बैचलर डिग्री इनके पास है, फिर राज्यसभा के सब वो चुने गए सदस्य, उसके बाद में फिर कि आईएएस भी थे शायद, आईएएस इन्होंने एग्जाम पास किया है, और अब ये बिहार के राज्यपाल के पद पर थे, बिहार राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया और ये राष्ट्रपति के पद पर उम्मीदवार घोषित किए गए, उसके बाद में इलेक्शन जीत गए। किसको हराया था उन्होंने? वर्षी रामनाथ कोविंद। किसको हराया? मीरा कुमार को, मीरा कुमार, ये महिला है मीरा कुमार, कभी पुरुष समझे, है ना, ये पहली लोकसभा अध्यक्ष बनी है भारत की, मीरा कुमार को हराया था, ये बिहार से संबंधित है। तो रामनाथ कोविंद ने किसको हराया? मीरा कुमार को। रामनाथ कोविंद इससे पहले किस पद पर थे? बिहार के राज्यपाल के पद पर, है ना, और किससे ताल्लुक रखते हैं? यूपी, उत्तर प्रदेश, कानपुर देहात, जिला आएगा कानपुर, परोख गांव का नाम है इनके, ठीक है जी। तो मैं समझता हूँ कि ये आपकी समझ में आया होगा टॉपिक, अगर फिर भी इसमें कुछ डाउट्स हों तो कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताइएगा आप। ओके ओके जी, थैंक यू।